हमारे जो पार्टिसिपेंट्स इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, सवालात इनसे किए जाएंगे, तारुफ मैं करवाती चलूँ। हमारे साथ मौजूद हैं जी शेख मोहम्मद हसन रज़ा, जिनका ताल्लुक कराची यूनिवर्सिटी से है। उनके साथ हैं हमारे साथ टीम बी में अक्सा आसिफ, जो कि बेनज़ीर भुट्टो शहीद यूनिवर्सिटी लियारी से हैं। और लास्ट बट नॉट एट ऑल द लीस्ट, हमेशा मैं कहती हूँ, जवाद अशफाक हमारे साथ मौजूद हैं, और आपका ताल्लुक भी कराची यूनिवर्सिटी से। हर टीम से मैं तीन तीन सवाल करूँगी, तीनों सवालों का आपने जवाब देना है। तीनों करेक्ट हुए तो तीनों के नंबर आपको मिल जाएंगे, वरना नेगेटिव मार्किंग कोई भी नहीं, अगर गलत भी हो गया। ठीक है, सो ऑल सेट। टीम ए आपसे शुरू कर रहे हैं। हसन, आपका पहला सवाल है, हदीस की कुल कितनी किताबों को सिहाए सित्ता कहा जाता है? ऑप्शंस मैं आपसे शेयर करूंगी, 6, 7, 4 या 5। छः। बिल्कुल सही जवाब, अच्छा जवाब, अच्छा जवाब, फौरी जवाब। दूसरा सवाल आपसे ये है, कुरान मजीद में नमाज की अदायगी के साथ अक्सर मकामात पर और किस इबादत का तस्करा आया है? आपके ऑप्शंस हैं ज़कात, रोज़ा, हज या सदका। रोज़ा। ज़कात इसका सही जवाब है, ज़कात। हमें ऐसा ही महसूस होता है वैसे कि नमाज के बाद रोज़ा, लेकिन ज़कात का साथ में जिक्र आया है। तीसरा सवाल आपसे है, अल्लाह ताला ने किन पैगंबर की कौम को मनोसलवा की नेमत से नवाजा था? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत सोलेह अलैहिस्सलाम या हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम या फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम? मूसा अलैहिस्सलाम। बिल्कुल, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, बिल्कुल सही जवाब। तीनों आपके जवाब दुरुस्त हुए। अब हम आते हैं टीम बी की जानिब। अक्सा, रेडी हैं? किन खुल्फाए राशिद के अहद में मिस्र, शाम, इराक और ईरान फतह हुए थे? हज़रत उम्र फारूक, हज़रत अली करमुल्ला वजह, हज़रत अबू बकर सिद्दीक या हज़रत उस्मान गनी? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। बिल्कुल सही जवाब, हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आलम इस्लाम में हर साल 21 अगस्त किस हैसियत से मनाया जाता है? यौम अक्सा, यौम तकबीर, यौम मजदूर या यौम कश्मीर? दोबारा से रिपीट करेंगे जी। आलम इस्लाम में हर साल 21 अगस्त किस हैसियत से मनाया जाता है? यौम अक्सा, यौम तकबीर, यौम मजदूर या यौम कश्मीर? आलम इस्लाम में यौम तकबीर। यौम अक्सा सही जवाब है, यौम अक्सा। पाकिस्तान में वाकई दुनिया की दूसरी सबसे बुलंद पहाड़ी चोटी केटू की बुलंदी कितने फिट है? 28,250 फिट, 30,000 फिट, 42,500 फिट या 50,000 फिट? 42,500 फिट। 28,250 फिट। कोई बात नहीं, इतना मुस्कुरा के तुमने पार्टिसिपेशन किया, अभी नेक्स्ट राउंड भी आएगा, बजर राउंड, इंशाल्लाह तुम्हें मौका मिलेगा। टीम सी जी, टीम सी जो है वो बड़ी हशाश बशाश है, बड़ी खुश भी लग रहे हैं, अब देखते हैं परफॉर्मेंस कैसी होती है। हज़रत अली करमुल्ला वजह के अहद में इस्लामी सल्तनत का दारुल हुकूमत कौन सा शहर था? कूफा, मदीना, मशहद या शाम? कूफा। बिल्कुल सही जवाब। किन सूफी बुजुर्ग का असली नाम सैयद अली बिन उस्मान हिजवेरी है? दाता गंजबख्श, हज़रत शम्स तबरेज़, हज़रत जुनेद बगदादी, हज़रत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती? दाता गंजबख्श। बिल्कुल सही जवाब। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस सूरह को सलसुल कुरान यानी एक तिहाई कुरान करार दिया? सूरह इखलास, सूरह कौसर, सूरह सूरह फातिहा या सूरह नसर? सूरह फातिहा। सूरह इखलास सही जवाब है, सूरह इखलास। और इसके साथ ही हमारा ये सेगमेंट यहाँ मुकम्मल हुआ। टीम ए जो है उनके चेहरे पर बड़ी फातिहाना मुस्कुराहट है, लेकिन तारीख गवाह है कि बजर राउंड में कुछ का कुछ हो जाया करता है जब उवैस रब्बानी साहब यहाँ पर मौजूद होते हैं। एक ब्रेक यहाँ ले लेते हैं, ब्रेक के बाद इरफान रमजान में दोबारा हाजिर होंगे। सवाल जवाब करते हैं, सेगमेंट टू है, क्विक क्विक सवाल होंगे, क्विक क्विक जवाब आने चाहिए। पहला सवाल जिसको आता है वो बजर बजाय। 1967 में अरब इसराइल जंग कितनी मुद्दत तक जारी रही थी? ऑप्शन ए 6 दिन, बी 8 दिन, सी 1 महीना और डी 7 दिन। जी 6 दिन। आपका जवाब बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हजरत शोएब अलैहिस्सलाम की कौम पर अजाब क्यों आया था? नापतोल में कमी करती थी। नापतोल में कमी की वजह से, बिल्कुल सही जवाब। तीसरा सवाल है, और लियारी की यूनिवर्सिटी जाग जाए, जाग जाए, जाग जाए। किन खलीफा को जामिल कुरान कहा जाता है? उस्मान। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हो, बिल्कुल सही जवाब। एक और सवाल है, जो जवाब दे वो बजर बजाए। हामिद करजई किस मुल्क के सदर रह चुके हैं? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान। टीम ए तेज दौड़ रही है, टीम बी सी जागो जागो। और साथ में एक और सवाल, किस सूरत में अबाबीलों के जरिए हाथियों के लश्कर की
तबाही का जिक्र किया गया था। टीम सी, सूरे फील। सूरे फील सही जवाब, बिल्कुल ठीक। हमारे मुल्क के किस मकाम से कोयले के वसी वसी क्या है जवाब, आंसर बताओ। पहले सुन तो लो, हमारे मुल्क के किस मकाम से कोयले के वसी जरखायर दरियाफ्त हुए, क्या है? टीम ए, टीम बी, बताओ। बलूचिस्तान। बलूचिस्तान बिल्कुल गलत। हाँ, उस सिंध का नुमाइंदा बैठा हुआ है, सिंध में हम रह रहे हैं, यहीं पर रहो। ऑप्शन सुना करो। मैं बता दूं क्या? जी निसार खोड़ो साहब इसका जवाब बताएंगे। कोयले के जखायर। कोयले के जखायर। हर। बिल्कुल सही जवाब। ठट्टा। ठट्टा में भी है। जंपीर। वाह भाई, सही जवाब। तालियां बनती है मेरे ख्याल से, घोड़ो साहब के लिए तालियां बनती है। हमारे इंस्टीट्यूशन की हालत थोड़ी बेहतर नजर आ रही है मुझे। दुनिया में सबसे ज्यादा पटसन यानी जूट किस मुस्लिम मुमलिकत में पाया जाता है? ऑप्शन ए अमेरिका, श्रीलंका, रूस या बांग्लादेश। किसी ने बजाया ही नहीं, क्वेश्चन रिपीट करें। हाँ, दुनिया में पटसन किस मुल्क में सबसे ज्यादा पाया जाता है, मुस्लिम ममालिक में से एक है वो? बांग्लादेश। बांग्लादेश ही एक है इनमें से। भाई बहुत अच्छे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो का असल नाम क्या था? हाँ टीमें, चलो सोच को फिर बजाओगे, पहले बजाओगे फिर सोचोगे। हाँ भाई टीम बी। हाँ भाई टीम सी। अब्दुल्ला। अब्दुल्ला बिल्कुल सही जवाब। यौमुल फुरकान किस यानी यौमुल, अरे हमने तो अभी पूछा ही नहीं है, यौमुल फुरकान के अल्फा बजाओ 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 बजा लो पहले। ये कोई घर की घंटी है, आंटी बॉल आई है। यौमुल फुरकान के अल्फाज किस अहम वाक्य के लिए इस्तेमाल हुए? टीम ए गज़वे बदर। गज़वे बदर बिल्कुल सही जवाब। और इसके साथ साथ ये सेगमेंट कंक्लूड हुआ। टीम ए, टीम बी, टीम सी, तीनों के मार्क्स आपके सामने। जाहिरन ऐसा नजर आ रहा है कि टीम ए आज की फातेह टीम है।